कलेजी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने कलेजी को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी के अंदर इसको डिप कर दिया है और ये एक टेबलस्पून भर के जो है लहसुन पीसा हुआ और 3 से 4 टेबलस्पून वाइट सिरका ये इसके अंदर डाल के उसको हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इससे एक तो ये कलेजी की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा जो ये कलेजी पकने के बाद बिल्कुल ब्लैक हो जाती है वो भी नहीं होगी, इसका कलर भी बिल्कुल लाइट हो जाएगा। देखें स्टार्ट हो गया है, 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। 15 से 20 मिनट मैंने कलेजी को सिरके और लहसुन वाले पानी में डिप कर दिया था। अब देखें इसके कलर में कितना फ़र्क आ गया है, यानी कि जब हम कलेजी बनाते हैं तो हमारी कलेजी बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाती है, तो उससे ये नहीं होगी। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं।